कोई व्यक्ति आज जम्मू और कश्मीर में बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो मुझे जरा समझा दे, 370 के पक्ष में बोलने वाले, मैं थोड़ी देर ज्यादा बैठूंगा, वो कैसे लगाएगा? और बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो बेरोजगारी कैसे रुकेगी? कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहां जाकर लगाना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी पंजाब से जाकर, हिमाचल से जाकर, 3500 और 370 है, वो कहां से लगाएगा? क्यों आप मोनोपोली में आज भी कश्मीर को जकड़ कर रखना? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, ये जो आपको स्वप्न दिखाते हैं 370 से घाटी का युवा का कोई भला नहीं होने वाला है, कुछ सियासतदानों का भला होने वाला है, कुछ पॉलिटिशियनों का भला, घाटी को कोई फायदा नहीं। कोई मुझे गिना दे क्या फायदा है, समझा दे क्या फायदा है? हाँ भाई, बिजली मिल जाएगी, चलो 370 चालू रखो, टॉयलेट मिल जाएगा, 370 चालू रखो, रोजगारी मिल जाएगी, 370 चालू रखो, तनख्वाह 5000 मिलती है, 15000 हो जाएगी, 370 चालू रखो। और संस्कृति, भाषा, बाकी सारे राज्य, इतनी सारी रियासतें जुड़ गई, सबका संस्कृति भाषा विलोपित हो गया है क्या? विलोपित हो गया भारत में? आज महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं बची, गुजरात की संस्कृति नहीं बची। मैं इस पर मान्यवर बाद में आ